Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about a web series called Alice in Borderland Season 1 Episode 1. हालांकि इससे पहले कुछ मूवीज भी आई थी जिनका नाम था Alice in Wonderland, जो कि एक फीमेल सेंट्रिक मूवी थी जहां पर वो खुद ही एक एलाइस बनकर यानी कि थीम की प्रोटैगनिस्ट बनकर पूरे के पूरे लोगों को बचाती है, दुनिया को संभालती है और काफी सारे टास्क परफॉर्म भी करती है. लेकिन यहाँ पर एलिस का मतलब है इंटेलिजेंट, इनोवेटिव, एनर्जी एंड थ्रिल, यानी कि जिन भी लोगों में ये सारी चीजें मौजूद हैं, वो एक ऐसी दुनिया में है जिसे कि बॉर्डरलैंड कहा जाता है. बॉर्डरलैंड का मतलब है कि वो दुनिया जहां पर ना ही इंसान जिंदा है और ना ही मरा हुआ है. तो ये तो रही टाइटल की बात. नाउ कमिंग टू द मेन स्टोरी, जिसकी शुरुआत में हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर आरिसू को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त गेम खेल रहा था. तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आकर कहता है कि अपनी जिंदगी यूं ही फुकरों की तरह बितानी है क्या? लास्ट टाइम एक जॉब के लिए तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना था, मगर तुम वहां भी नहीं गए. पिताजी तुम पर कभी भी खुश नहीं होंगे. इन बातों से आरिसू परेशान हो जाता है और कमरे से बाहर निकलता है, जहां पर उसे उसके पिताजी भी दिखाई पड़ते हैं, मगर वो भी उससे बहुत परेशान थे और उसे खरी-खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि अगर काम वाम नहीं करना तो घर की नहीं छोड़ देते, जहां पर असली में आरिसू अब अपने इस घर को छोड़कर निकल जाता है. वो मोबाइल पर अपने कुछ दोस्तों के साथ चैट भी कर रहा था. तभी हम इस कहानी के एक सेकंड लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है कारुबे, और वो इस वक्त अपनी बॉस की एम्प्लॉय के साथ में लगा हुआ होता है. मगर थोड़ी देर में उसका बॉस आ जाता है और कारुबे को ऐसा करते हुए पकड़कर उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है थर्ड लीड कैरेक्टर पर, जिसका नाम है छोटा, लेकिन ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा वियर्ड है तो हम इसे छोटा कहकर बुलाएंगे. ये एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा होता है. तभी इसकी मॉम इसके पास में आती है और कहती है कि मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, इससे मेरे आगे आने वाले दिन अच्छे से गुजर जाएंगे. हालांकि उस वक्त वो पैसे तो दे देता है, लेकिन छोटा का कहना था कि अब और फ्यूचर में वो अपनी मॉम को ज्यादा पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे भी उसकी लाइफ जीने के लिए अब पैसों की जरूरत है. तो ये तो थी इन तीन कैरेक्टर्स की लाइफ की बैक ब्रीफ. अभी तीनों एक साथ मिलते हैं जहां पर शहर में काफी चिल्लम चिल्ली थी. बहुत ही भीड़ भाड़ भरा इलाका था टोक्यो. यहां पर यूज करने वाली लैंग्वेज है जापानीज, मगर सीरीज का नाम एक इंग्लिश नाम पर रखा गया. ऐसा मनी हाइस्ट के साथ में भी हुआ था, क्योंकि वो एक स्पेनिश सीरीज थी, लेकिन पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए मनी हाइस्ट एक ऐसा नाम था जिसने बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ लिया. तो यहां पर भी इसी स्ट्रेटेजी का काम लिया गया है. ये तीनों आपस में अपनी बेकार लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे थे. इन दोनों को ये भी मालूम चल चुका था कि अब आरिसू ने अपना घर छोड़ दिया है, मगर कारुबे और छोटा उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ मुबारक हो. इनफैक्ट वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर पूरा शहर भी घुमाने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं. इसी बीच जब लोगों का ध्यान उन पर जाता है तो भीड़ जमा हो जाती है, कुछ कारों का एक्सीडेंट भी हो जाता है. तो पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ने के लिए इनके पीछे पीछे भागते हैं, मगर ये तीनों अपनी जान बचाकर एक टॉयलेट में छुप जाते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद में वहां सब कुछ शांति हो जाती है. कोई आकर इनका गेट खटखटाता भी है, मगर 5-10 सेकंड के बाद में वो भी गायब हो जाता है. और जब थोड़ी देर बाद लाइट्स चली जाती है, इनके फोन चलने भी बंद हो जाते हैं, तो ये वहां से बाहर निकलते हैं. और जब शहर का नजारा देखते हैं तो वहां पर नीलबट्टा सन्नाटा था. इतने भरे पूरे शहर में एक भी शख्स मौजूद नहीं था. इन तीनों को ही अपने घर परिवार की चिंता होती है. सबसे पहले कारुबे अपने क्लब में भागता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वहां कोई नहीं था. वहीं छोटा अपनी इंडस्ट्री यानी कि अपनी कंपनी में पहुंचता है, वहां पर भी कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं था. और आरिसू तो ऑलरेडी अपना घर छोड़कर आया था, तो वो मेन रोड पर आकर बैठ जाता है. ऐसा करते करते रात हो जाती है और ये तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर शहर में हुआ क्या. ना ही कोई इंसान मौजूद है और ना ही कोई जानवर. कहीं सब लोग ज़ॉम्बी तो नहीं बन गए. वैसे ये चीनी जापानी लोगों में ज़ॉम्बीज बनना एक आम बात है. इस पर बनी हुई काफी सारी सीरीज भी हैं. अगर देखना चाहो तो वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स वाले या फिर प्रतीक्षा नागर वाले चैनल पर आपको मिल जाएंगे. मगर इस वक्त ज़ॉम्बीज का कोई अटैक नहीं हुआ था. काफी देर बैठे रहने के बाद में इनके सामने जो एक बिल्डिंग थी वो चमकने लगती है, और उसमें इंडिकेशन आता है कि गेम शुरू होने वाला है. ये तीनों उस इंडिकेशन को देखकर हैरान होते हैं कि पूरे जब शहर की लाइट्स गई हुई है तो खाली इसी बिल्डिंग में लाइट कैसे चल रही है, और ये किस गेम के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर. और फिर ये तीनों जैसे जैसे इंडिकेशन आते जाते हैं उनको फॉलो करते करते GM होटल तक पहुंचते हैं. इनके सामने एक लिफ्ट होती है और उसी के पास में 6 मोबाइल पड़े होते हैं. तभी ये तीनों एक एक फोन उठा लेते हैं और उनमें से इंडिकेशन आने लगते हैं कि अब ये खेल शुरू होने वाला है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं. तभी वहां पर शिबू की नाम की एक लेडी आती है और बताती है कि ये खेल है और हमें इसे खेलना पड़ेगा. ये तीनों कुछ समझ नहीं पाते तो वो छोटा का एम्प्लॉय ID लेकर उसे लिफ्ट के बाहर वाले एरिया में फेंकती है. तो पता चलता है कि अब ये लेजर से कवर्ड है और अगर कोई भी लेजर के बाहर जाएगा तो मारा जाएगा. इन्हीं की तरह यहाँ पर एक और अननोन पर्सन भी पहुंचती है, जिसे ये लोग एक मोबाइल थमा देते हैं, जिसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हुई. यानी कि अब इस खेल को टोटल 5 लोग खेलने वाले थे और इस गेम का नाम था लाइफ एंड डेथ, जिसके बाद लिफ्ट इन्हें 6th फ्लोर तक पहुंचा देती है. ये कमरा पूरी
तरीके से खाली होता है, लेकिन सिर्फ सामने दो दरवाजे होते हैं और टाइम लिमिट होती है 2 मिनट की। इन्हें चुनना था या तो लाइफ का दरवाजा या फिर डेथ का दरवाजा। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, चुनना किसे है। चलो अगर लाइफ लिखा है तो लाइफ में चले जाते हैं। तो एक जो लड़की जो लेटेस्ट आई होती है वो लाइफ का दरवाजा खोल कर अंदर जाती है, लेकिन तभी लेजर आकर उसे मार देती है। तो इन लोगों को मालूम चलता है कि डेथ वाला सही दरवाजा है और टाइम रहते जब भी उस दरवाजे में पहुंचते हैं तो पीछे वाला जो कमरा होता है पूरी तरीके से आग से जल जाता है। उसके अंदर गैस और आग दोनों फैला दी गई थी। और जैसे ही लोग अगले कमरे में पहुंचते हैं इनकी टाइम लिमिट में से 10 सेकंड और घट जाते हैं। अगेन यहां पर इनके पास में लाइफ एंड डेथ के दो दरवाजे होते हैं। कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था जहां पर कारुबे उस शिबू की नाम की लड़की को कहता है कि पहले हम नहीं जाएंगे, तू जाकर खोलेगी क्योंकि तूने इस गेम को ऑलरेडी खेला है। शिबू की कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इसलिए आरिसु को आगे बढ़कर कोई तो दरवाजा चुनना था और वो डेथ का दरवाजा अगेन चुनकर आगे पहुंच जाता है। इसी बीच इनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और ये वाला कमरा भी जल जाता है। लेकिन तब आरिसु को लगता है कि ये खेल जो है जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। यहाँ पर 1-1 मीटर की टाइल्स लगी हुई है और एग्जैक्ट 9 ही लगी हुई है। अब क्योंकि वो एक गेमर था, बहुत ही ज्यादा गेमिंग में उसका अच्छा खासा माइंड था, इसलिए वो अपने दिमाग में इस पूरे बिल्डिंग का एक नक्शा तैयार करता है। उसे समझ में आता है कि आते वक्त यहाँ पर इस बिल्डिंग के चारों तरफ 4 BMWs खड़ी थी। उनका साइज होता है करीब 4 मीटर के आसपास, जिसके बाद में वो इस बिल्डिंग का डायमीटर भी निकालता है और उसे पता चलता है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से चौकोर है। इसका मतलब टोटल 9 कमरे होने चाहिए, 2 हमने पार कर दिए। अब अगर हमें अगला सही कमरा चूज करना है तो हमें इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, जिसके बाद वो ऐसे करते करते और बाकी के 5 रूम भी क्लियर कर लेते हैं। लेकिन लास्ट रूम के आते ही वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जो डायग्राम उसने पेपर पर बनाया था अब उसके अकॉर्डिंग सारे कमरे खत्म हो जाने चाहिए और जिस डायरेक्शन में बाहर निकलना होना था वहां वो दरवाजा होता ही नहीं है। लेकिन तब आरिसु का दिमाग काम करता है और छोटा ने अपने फोन में जो वीडियो बनाई थी जैसे ही वो इस कमरे में आए थे, तो उस कमरे की वीडियो को देखने पर इन्हें मालूम चलता है कि जिस कमरे में वो लड़की जाने वाली थी वो एक छोटा सा कमरा था, यानी कि हाफ साइज। और अगर ये 8वां रूम है और अगर वो आधा रूम है तो इसका मतलब इन दरवाजों के आगे एक और आधा रूम होगा, तब जाके काउंटिंग में 9 रूम्स कंप्लीट होंगे। और ऐसा करके ये लाइफ वाला दरवाजा खोल लेते हैं और इनकी जान बच जाती है, मगर छोटा घायल हो जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतर जाने के बाद में इन्हें इस खेल को जीतने पर एक चिड़ी की टिक्की मिलती है और फोन में इंडिकेशंस आते हैं कि ये गेम खत्म हो चुका है, आपने इस खेल को जीत करके अपना वीजा 3 दिनों के लिए बढ़ा लिया है। तभी वहां पर टूटी फूटी हालत में एक शख्स आता है और कहता है कि अब मुझे ये खेल नहीं खेलना और आज वैसे भी मेरे वीजा का आखिरी दिन है। तभी एक लेजर आकर उसे मार देती है और ये सभी इसी कश्मकश में फंस जाते हैं कि आखिर हम लोग कहां पर हैं, ये गेम कौन खिलवा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है और वीजा के खत्म हो जाने पर क्या हम खुद ब खुद ही मारे जाएंगे। इसी के साथ हमें कहानी की एक और लीड कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है उसाकी, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर मरते हुए लोगों को देख रही थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी लेकर आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।